जय श्री सीताराम। दीपावली 24 तारीख को है या 25 तारीख को है, इस विषय पर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। और निसंदेह 24 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि 24 तारीख को शाम में और लगभग 5 बजे से अमावस्या तिथि शुरू हो रही है। और हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि दीपावली पर प्रदोष की अमावस्या होना चाहिए, रात जो मिडनाइट होती है उसकी अमावस्या होना चाहिए, और ऐसा 24 तारीख को ही पॉसिबल हो रहा है। इस वजह से दीपावली 24 को मनाई जाएगी और 25 तारीख को चूंकि ग्रहण है, और फिर रात अमावस्या की आ भी नहीं रही है 25 को, इस वजह से किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रखें, 24 को ही शाम में और रात में दीपावली मनाएं। अब मुख्य प्रश्न ये आया मेरे पास कि दीपावली मनाएं लेकिन किस वक्त, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए। देखें, वैसे तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि दीपावली जो कार्तिक की अमावस्या होती है, हाँ, उसमें प्रदोष काल की होती है। प्रदोष काल को श्री माँ लक्ष्मी और कुबेर जी इनकी पूजा होती है, लेकिन साथ ही साथ चौघड़िया देखना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, और चौघड़िया देख करके ही आपको लक्ष्मी पूजन और कुबेर पूजन करना चाहिए। चूंकि दीपावली का महत्व शाम का है ना, रात का है, तो हम शाम या रात का ही चौघड़िया देखते हैं। तो यदि हम अत्यंत शुभ मुहूर्त निकालते हैं 24 तारीख के, तो वो शाम को 6 बजकर 24 तारीख की शाम को 6 बजे से लेकर के शाम के 7:30 बजे तक एक मुहूर्त तो ये आता है, और ये प्रदोष काल का मुहूर्त है और अत्यंत शुभ मुहूर्त है, और इसे अमृत काल चौघड़िया हम कहेंगे। लेकिन यदि किसी के घर लक्ष्मी पूजन इस बीच में नहीं होता है, तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा रात के 10:30 बजे तक का। 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक का फिर एक लाभ का चौघड़िया है, और उस समय आप लक्ष्मी पूजन कुबेर पूजन कर सकते हैं। तो चौघड़िया के अनुसार और शास्त्र के अनुसार तो ये वक्त मैंने आपको बताया। हालांकि हाँ, कुछ विद्वानों का मानना यह है कि 24 तारीख को प्रदोष काल के बाद से ही अशुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, और जब से अमावस्या शुरू हो रही है, मैंने आपको बताया था कि 5 बजे से, करीब करीब 5 बजे से 24 तारीख को अमावस्या तिथि शुरू हो रही है, तो उसके बाद से ही पूजन करना शुभ है। तो यदि आप चौघड़ियों को नहीं मान सकते हैं, किसी प्रकार से कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, आप किसी एमरजेंसी जॉब में हैं, आपको जल्दी कहीं जाना भी है पूजा करके, तो फिर निसंदेह आप अपने अनुसार शाम को 6 बजे के बाद कभी भी पूजा करें। लेकिन यदि विशेष शुभ मुहूर्त आपको जानना है, तो विशेष शुभ मुहूर्त मैंने अभी आपको बताया, और यदि आप ज्यादा व्यस्त नहीं हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, आप इन समयों को मैनेज कर सकते हैं, तो आपको इन समय में पूजा करनी चाहिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मेरे पास ये प्रश्न आ रहे थे कि सर आपने 24 तारीख और 25 तारीख की गुत्थी तो सुलझा दी, लेकिन अब वक्त आपने नहीं बताया। तो वक्त बताइए कि कब पूजा करें माँ लक्ष्मी की और कुबेर जी की, साथ ही साथ श्री सीताराम दरबार की। तो ये वक्त बड़ा ऑस्पिशियस वक्त है और बड़ा शुभ वक्त है। आप सभी को मैं दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये दीपावली आपके लिए माँ लक्ष्मी अपना भंडार लेकर के आए, इस दीपावली भगवान श्री राम अपनी सफलताएं, अपनी श्री, अपनी कीर्ति, अपना वैभव आपको दे, आप दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, परिवार के साथ खुशहाल हों और बहुत सफल हों। इसी के साथ आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। फिर आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।